What's up everyone? Welcome back to our channel. तो guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायजूस में जो अभी लेटेस्ट ओपनिंग आई है प्रोडक्ट रिन्यूअल स्पेशलिस्ट की, उसके बारे में. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन की, लाइक आपको अप्लाई कैसे करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि इसका इंटरव्यू प्रोसेस काफी डिफरेंट होने वाला है बायजूस बीडीए के इंटरव्यू प्रोसेस से. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, डेली टास्क क्या होंगे, टॉक टाइम क्या रहने वाला है. ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन फर्स्ट. तो देखो अपनी स्क्रीन पे, ये रहा इस प्रोफाइल के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली. ठीक है, तो अगर बात करूं मैं जॉब टाइटल की, तो पहले ही जैसा मैंने बताया रिन्यूअल स्पेशलिस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में. प्रोडक्ट रिन्यूअल्स, ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट कोर्स यूज कर रहा है बायजूस का, उसको आपको कॉल करना है. अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट फोर्थ क्लास में है, उसने फोर्थ क्लास का पैकेज लिया हुआ है बायजूस का, बट अब वो फिफ्थ क्लास में जाने वाला है, तो उसका बायजूस का पैकेज जो है वो एक्सपायर होने वाला है, तो उसको आपको कॉल करना है एंड उसको आपको परसुएट कन्विंस करना है कि वो प्रोडक्ट को रिन्यू करवाए और फिर से इसके साथ पढ़े बायजूस के साथ. ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा काम होने वाला है इसमें. ऐसे ही आपको रोज कॉलिंग करनी है लोगों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को रिन्यू करवाने के लिए. ठीक है, जो भी उन्होंने कोर्स ले रखा है पहले से बायजूस का. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि जो लोग सेटिस्फाइड होंगे डेफिनेटली दे विल बाय, एक बार में बिक जाएगा, और जो लोग नहीं होंगे भाई उनसे सुनोगे भी अच्छे से. ठीक है, अब बात करते हैं सीटीसी की. यस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तो सीटीसी यहाँ पे यार इनसाइड सेल्स वाला पैकेज मिल रहा है आपको, बेसिकली 5 लाख फिक्स्ड पे जो है. ठीक है, बट जो यहाँ पे इंसेंटिव है वो थोड़ा सा कम है. इंसेंटिव जो है वो है 1 लाख, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख आपको इंसेंटिव मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि यार एग्जैक्टली क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली. ये तो देखो यार, ये रहा है यहाँ पे बेसिकली, यहाँ से ये स्टार्ट है व्हाट यू विल बी एग्जैक्टली डूइंग. तो यू विल गाइड यूजर्स हु आर पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोग्राम एंड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग जर्नी विद बायजूस. ठीक है, तो जो की रोल होने वाला है आपका, वो बेसिकली आपको यूजर्स को कॉल करना है. ठीक है, कैसा चल रहा है उनका, मतलब ये वैसे जो भी अकेडमिक ईयर होता है उसके लास्ट में ही आपको रिन्यूअल पिच करना पड़ता है उनको, तो रिन्यूअल के लिए आपको उनको पिच करना है. ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें करनी है बेसिकली. अब इसके नीचे है रिक्वायर्ड स्किल सेट, तो यार देखो सेल्स स्किल सेट होना चाहिए, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इजीली मेंशन है समवन हु हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू नेटवर्क वेल विद इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कैन वर्क अक्रॉस वेरियस बिजनेस फंक्शंस एंड इन्फ्लुएंस डिफरेंट स्टेक्स. पता ही चल रहा है आपको कि कहीं ना कहीं बीडीए से मिलती जुलती प्रोफाइल है. ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है वी आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स विद अ बैकग्राउंड इन बिजनेस सेल्स एंड ऑपरेशंस हु कैन हेल्प अस लीड एंड एक्सपेंड आवर लार्ज टीम. ठीक है, तो ये चीज होने वाली है बेसिकली, सेल्स की प्रोफाइल है बट नाम दे दिया गया है प्रोडक्ट रिन्यूअल स्पेशलिस्ट का. ठीक है, तो रिन्यू करवाना है यहाँ पे आपको, सामने वाला जो बंदा है उसको सब कुछ पता होगा पहले ही से. तो गाइस आप ये भी चीज देख लो कि जब अप्लाई करोगे, डेफिनेटली मैं आगे बताने वाला हूं कि अप्लाई कैसे करना है, बट ये देख लो यहाँ पे आपको क्या खुल के आने वाला है जब अप्लाई करने जाओगे, तो क्या क्या चीजें रहेंगी. नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है. ठीक है, विलिंग टू रिलोकेट, ये सब आपको फिल आउट करना है. वर्क एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन स्टेटस, करेंट एंड लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, अगर फ्रेशर हो तो एनए कर देना. ठीक है, हैव यू अपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू विद बायजूस ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसी के बेसिस पे इंटरव्यू कॉल भी आएगा. ओके, तो यहाँ पे जो है रियलिटी वही फिल आउट कर देना. ओके, अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, तो ये आपका लाइक एक फॉर्म है पूरा का पूरा. ठीक है, तो ये आपको फिल आउट करना पड़ेगा इसके लिए.
तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखो यार, अप्लाई करने का सिंपल तरीका ये है कि बायजूस करियर्स पे जाओ, वहां से अप्लाई कर दो। बट कल तक जो मैंने देखा था वहां पे अभी इनकी ओपनिंग अपडेट नहीं हुई थी, तो एक लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक आउट दैट, वहां से अप्लाई कर सकते हो आप। अब गाइस बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में कितने राउंड्स होने वाले हैं, प्लस क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो देखो यार, यहाँ पे भी आपसे 3 राउंड्स होने वाले हैं, लाइक आपको 3 राउंड्स देने हैं। पहला राउंड जो होने वाला है वो होने वाला है टेलीफोनिक राउंड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टेलीफोनिक राउंड आर ऑलवेज इंट्रो, ठीक है, जो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। डेफिनेटली एक अच्छा इंट्रो प्रिपेयर कर लेना। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा सकता है। व्हाई यू जॉइन बायजूस, क्या जानते हो बायजूस के बारे में, और इस प्रोफाइल के बारे में क्या जानते हो, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ओके, अब बात कर लेते हैं गाइस कि एग्जैक्टली सेकेंड राउंड क्या होने वाला है। तो सेकेंड राउंड यहां पे होने वाला है जूम कॉल इंटरव्यू, ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड राउंड, कि यहां पे आपको कोर्स रिन्यू करके दिखाना है। मतलब इंटरव्यू कैन आस्क यू कि ये कोर्स रिन्यू करके दिखाओ, इस क्लास का बच्चा है एंड ही इज यूजिंग द कोर्स फॉर 2 इयर्स, अब रिन्यू करके आके दिखाओ। तो आपको पिच करना पड़ेगा एग्जैक्टली कोर्स को रिन्यू करने के लिए, ये चीज होने वाली है, ठीक है। तो इससे सिमिलर कुछ क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में लिख देना अगर यू नीड, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्वेश्चंस के लिए। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि यार कोर्स को रिन्यू करवाना इजी होने वाला है या डिफिकल्ट होने वाला है, एंड व्हाट विल बी द टारगेट, टॉक टाइम क्या होने वाला है, और डेली टास्क क्या होने वाले हैं। तो जो डेली टास्क होने वाले हैं वो यही होने वाले हैं कि यू हैव टू रिन्यू द कोर्सेस, ठीक है, जो भी लाइक स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं आपको वो रिन्यू करवाने हैं कोर्सेस कॉल कर करके, एंड फॉर दिस अ पर्टिकुलर टॉक टाइम इज देयर, लाइक 2 to 2.5 hours टॉक टाइम आपको डेली बेसिस पे पूरा करना है अटेंडेंस पाने के लिए, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो टारगेट को लेकर के है, तो यहाँ पे उतने ज्यादा टारगेट्स नहीं है, ठीक है, बट आपको कोर्स को रिन्यू करवाना है, सारी चीजें होंगी, पता होंगी, ठीक है, तो आपको कॉलिंग भी उसी बेसिस से ज्यादा लाइक 50-100 इसी के अराउंड कॉलिंग करनी है ऑन डेली बेसिस, ठीक है, और वो कनेक्टेड कॉल्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं, ठीक है, एंड अगर इसको लेकर के कोई भी डाउट हो तो यू कैन लाइक जस्ट राइट इट इन कमेंट, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू विद दैट। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।